हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं XEC यानी कि जिसे ई कैश भी कहा जाता है। आज चेक करेंगे इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट कंडीशन क्या है इसकी, और क्या आने वाले फ्यूचर में हमारे कितने काम आएगा ये, क्या प्रॉफिटेबल है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो सारी बातें आज उसके ऊपर हम करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो में जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी तक पूरे भारतवर्ष में क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया गया है। जो बिल आने वाला था वो नहीं आ सका किसी वजह से पार्लियामेंट में, तो इसमें शायद अभी और वक्त लगने वाला है, लेकिन तब तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्लीज कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। सो फ्रेंड शुरू करते हैं ई कैश के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ई कैश का होम पेज है, ऑफिशियल पोर्टल है ये ई कैश का, विच इज e.cash से भी आप सर्च करके गूगल से देख सकते हैं। व्हाट इज ई कैश, विच इज XEC। सो ई कैश XEC इज द रीब्रांडेड वर्जन ऑफ बिटकॉइन कैश ABC, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज BCHA, इटसेल्फ अ फोक ऑफ बिटकॉइन BTC एंड बिटकॉइन कैश BCH। It calls itself a cryptocurrency that's designed to be used as electronic cash. किसके लिए यूज होनी थी ये? Electronic cash के लिए। So e-cash strictly aims to be a means of transaction used to pay for goods and services. The coin was rebranded on July 1st, 2021 and has since tried to distinguish itself from its predecessor. तो कौन था predecessor? BTC. The base unit of e-cash are called bits and replace the unwieldy decimal places of Bitcoin Cash ABC. तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये जो BTC होता है उसे कन्वर्ट कर देता है बिट्स में, फिर वो बिट्स को क्या करते हैं ई कैश में हम ले सकते हैं। सो ई कैश इंटीग्रेट्स अ प्रूफ ऑफ स्टेक विच इज POS कंसेंसस लेयर कॉल्ड Avalanche, विच इज नॉट टू बी mistaken फॉर द blockchain Avalanche, यानी कि अवैक्स Avalanche क्रिप्टो जो है उसे आप यहाँ पे ना रखें, क्योंकि ये जो Avalanche ही उन्होंने वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसे लेयर कहा जाता है वो Avalanche क्रिप्टो से अलग है। सो अपॉन रीब्रांडिंग ई कैश अनाउंस दैट इट वुड कन्वर्ट ऑल BCHA कॉइन्स टू XEC एट अ रेशियो ऑफ 1:1 million, यानी कि द क्रिप्टो करेंसीज डेवलपर्स हैज सेट देयर साइट ऑन 3 मेन इंप्रूवमेंट्स। अब तीन इंप्रूवमेंट्स क्या है इसमें, स्केलिंग थ्रू ट्रांजेक्शन थ्रूपुट फ्रॉम 100 ट्रांजेक्शन पर सेकंड टू मोर देन 5 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकंड। क्या करने वाले हैं, पहले क्या होता था 100 ट्रांजेक्शन पर सेकंड थे, अभी क्या करना चाहते हैं उसको 5 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकंड ही करना चाहते हैं। सेकंड, इंप्रूविंग द पेमेंट एक्सपीरियंस बाय रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन फिनालिटी, यानी कि जो पेमेंट एक्सपीरियंस है उसकी जो ट्रांजेक्शन फिनालिटी है उसे कम करना चाहते हैं, उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। और एक्सटेंडिंग द प्रोटोकॉल एंड एस्टैब्लिशिंग फॉक फ्री अपग्रेड, आपको इसमें कुछ फ्री अपग्रेड्स भी देखने को मिलने वाले हैं। हु आर द फाउंडर्स ऑफ ई कैश, सो ई कैश इज लेड बाय इट्स लीड डेवलपर अमौरी सेशे, हु वॉज द लीड डेवलपर ऑफ बिटकॉइन कैश, यानी कि अमौरी सेशे ने बिटकॉइन कैश डेवलप किया था और उन्होंने ही XEC को डेवलप किया, एंड फॉर दैट ब्लॉकचेन टू एस्टैब्लिश द प्रेडिसेसर ऑफ ई कैश बिटकॉइन कैश ABC that forked happened on November 15, 2020. So, Sheshe then decided to rebrand Bitcoin Cash ABC to establish a new brand identity for eCash, explaining that a reduction of decimal places would help with the adoption of the coin. Yani, so, दोस्तों यहाँ पर Bitcoin Cash ABC को eCash में rebrand किया गया है, उसे नई identity दी गई है. So, और एक बात, no other money has 8 decimal places. So, why should crypto? Cryptocurrencies with a lower unit price also enjoy higher bull market appreciation. Because the e-cash team is incentivized by both tech and price improvement, this improvement was a no-brainer. अब e-cash को हम unique क्यों मानेंगे? What makes e-cash unique? The developer of e-cash, XEC, intend the coin to support EVM. EVM मतलब Ethereum Virtual Machines. Compatibility and to be interoperable with the decentralized finance, which is DeFi, sector on Ethereum ETH. For the coin to become successful, eCash developers intend to fulfill 5 core missions. Abhi 5 core missions kya the unke? Ensuring anonymous transaction, ensuring the immutability of transactions, guaranteeing the transaction remain almost free, enforcing globally secure transactions with a finality of fewer than 3 seconds. And last is designing the coin infrastructure as a public good funded via its social contract. Now to achieve this, the developers of eCash have laid out an ambitious roadmap with plans to have vertical transaction ordering with scalable batch processing. Second is show signature with batch signature validation, faster block propagation through
ग्राफीन और अदर, एंड फोर्थ इज UTXO कमिटमेंट विद ब्लॉकचेन, बर्निंग एंड फास्टर इनिशियल सिंक, देन फिफ्थ इज Merkleck's meta tree with scalable block processing, and the last is adaptive block sizes to support market driven growth to 1 TB blocks. So these highly ambitious solution would propel eCash to 50 transaction per user per day for up to 10 billion users. yani ye karna kya chahte hain, ye chahte hain ki hum jo eCash ke transaction hai wo 50 transaction per day per user kar denge, aur kahan tak leke jayenge, 10 billion users tak hum ise leke jane wale hain. So this is how this eCash works, and this is how they have developed it. Their web portal, they have clearly mentioned that wealth is redefined here. How? It's simple, instant, secure. Experience the revolutionary new money from the creators of Bitcoin Cash. Again, the same things which they have mentioned over here. Who has created a Bitcoin Cash? The same person who created eCash here, and they have rebranded it with the different terminology. As they have said, introducing eCash, the new battle-tested cryptocurrency forged from the centuries of economic theory and over a decade of real-world crypto experience. So eCash is the implementation of the tech-secured sound money envisioned by luminaries in monetary philosophy like Milton Friedman. Yes, economist Milton Friedman ki jo philosophy hai, lagbhag usko hi envision in logon ne yahan pe kiya hua hai. So that's the reason they have come up with eCash in crypto. जैसा मैंने आपको दोस्तों क्लियर किया कि व्हाट मेक्स ई कैश यूनिक, अगेन एवलैंच, यहाँ इसे एवलैंच का नाम दिया हुआ है, एंड इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एवलैंच क्रिप्टो. सो डू नॉट कंफ्यूज इन बोथ द टर्म्स. स्टेकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस बाय इंसेंटिवाइज स्टेक होल्डर्स हैं. ई टोकन्स क्या है यहाँ पे? सो ई कैश सपोर्ट्स टोकन एंड डिविडेंड पेमेंट्स. क्रिएट योर ओन टोकन विद कस्टमाइज्ड नेम, सप्लाई डेसिमल प्लेसेस एंड आइकन, विच इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ई कैश. स्मॉल कन्वीनियंट डिनोमिनेशन विच इज बिट्स, यानी कि बिट्स क्या हुए, स्मॉल कन्वीनियंट डिनोमिनेशन है, बिकॉज मनी शुडंट हैव 8 डेसिमल प्लेसेस. ऑल्सो क्लियर्ड ऑन देयर रोड मैप. This means complete, this is underway, and this is the planning. So scaling, eCash to scale from 100 transaction per second to over 50 lakh transaction, which is mass parallelization, is necessary to achieve mankind scale. Okay, roadmap pe this one is done, this one is done. QUIC lightning fast network is underway, and rest is to be done. So this way they have explained their roadmap. After scaling, they have usability. Yes, which I have already explained. Again, this is partially completed and partially to be completed in the coming time. Extensibility, yes, it is all again partially complete and rest is in process. दोस्तों WazirX पे XE का जो करंट प्राइस चल रहा है, विच इज 0.008699 इन इंडियन रुपीज, यानी कि अभी बहुत पीछे है एक रुपए से. और USDT में बात कर लेते हैं, सो USDT में इट इज अराउंड 0.0001930 इन US डॉलर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा. On CMC, it is 0.000099, slightly difference with the WazirX exchange. थोड़ा बहुत difference यहाँ आपको देखने को हमेशा मिल जाएगा. Now, market rank is 66, बहुत अच्छा rank है, यानी काफी अच्छे status पे आपको अभी दिखने वाला है. 24 hours में जो price change हुआ है, which is 0.20 के हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ोतरी मिली है. ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है 40.25% के हिसाब से, विच इज गुड. अगेन अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं, सो मार्केट कैप इज क्वाइट गुड. Fully diluted market cap is also risen by 0.67% के हिसाब से हुआ. Yesterday change देखा जाएगा तो 1.04% के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. So all time high was on November 10th in the last month itself, which was 0.005112 था. Now so all time low was on 20th July 2021, 5 महीने पहले ही था, which is 0.4 times 0.173 था. Now जो इसका all time low था, उससे काफी अच्छा यहाँ पे इसने improvement की है, which is एट द रेट ऑफ 538.52% के हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा. फ्रेंड्स, दिस इज द लाइव चार्ट ऑफ ई कैश XEC. इन दिस लाइव चार्ट अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारा यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. यानी काफ़ी नीचे अपने लेवल पे भी आ चुका है, जो इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 5 सितंबर और 10 सितंबर के बीच में, जब ये फ्लक्चुएट हुआ था काफ़ी अच्छा यहाँ पे. तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कई जगह लोगों ने गलती की है, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी एंट्री ले ली है कुछ कुछ पॉइंट्स पे. ऑल टाइम हाई जो इसने क्रिएट किए थे, उसके बाद छोटे छोटे एंट्रीज यहाँ लोगों ने काफ़ी लेके रखी हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पे उनको हो रहा है. अब जिन्होंने तो कम पॉइंट्स पे एंट्री ली है, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट निकाल के चले गए, लेकिन कुछ नए यूजर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी हाई में एंट्री ली थी, और जैसे ये WazirX पे लिस्ट हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री लेके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है. लेकिन अभी आपके लिए
क्योंकि ये बहुत कम रेट पे आपको मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम रेट पे इंडियन रुपीस में भी 1 रुपया भी ये टच नहीं हुआ है, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का आने वाले टाइम के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बिटकॉइन काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपने इसके सपोर्ट लेवल को टच करके देखना है। अगर इसका सपोर्ट लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर ये बाउंस बैक होने के चांसेस अब इसके कम हो चुके हैं। लेकिन हाँ, आप एंट्री लेके अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने बिट्स एंड बिट्स में यहाँ पे एंट्री लेनी है ताकि आपको आने वाले टाइम पे अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है, एक डंप डाउन होता है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप इन पॉइंट्स पे एक एंट्री लेके इसे लॉन्ग रन के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको पता है जब किसी एक पर्टिकुलर टोकन या कॉइन या क्रिप्टो में जो भी हम बात करते हैं, अगर उसकी रेट वैल्यू प्राइस बहुत कम है तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये XEC के केस में यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो यूज़ केस है, जो इनके फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी मददगार होने वाले हैं आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट को लेके। सो दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो उसे लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखिए। क्योंकि ऐसे कॉइन जिनकी अभी वैल्यू बहुत कम है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लाख कॉइन्स ही अगर आप ई कैश के लेते हैं, उन्हें आप स्टोर कर देते हैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में, छोड़ देते हैं उसे, आप खरीद कर भूल जाते हैं, तो मान के चलिए आने वाले 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, विच इज़ फॉर श्योर। लेकिन अगेन आपने यही देखना है कि मार्केट में जो भी टोकन है या कॉइन है उसकी कीमत कम होनी चाहिए, वो निचले पायदान पे होना चाहिए, तभी आपके लिए वो प्रॉफिट वाला काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने एक और बात को ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और आपको लगता है कि ये और डंप डाउन हो रहा है, तो आप बिट्स एंड बिट्स में एंट्री लीजिए ताकि आपको जितना भी नीचे जाए उतना ही उसमें कम पैसा लगा के उसे इन्वेस्ट कर सकें। फिर भी अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिएगा इस मामले में। तो दोस्तों, ई कैश की जब हम बात करते हैं तो इनका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, और जहाँ पे बात आती है करंट मार्केट सिनेरियो की, तो वो यही इशारा कर रहा है कि अभी इसमें बहुत बाइंग अभी होनी है, और नए साल 2022 में अगर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में कुछ सुधार देखने को मिलता है तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं या जो भी दूसरे छोटे कॉइन्स हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, मेटावर्स को लेके, गेमिंग को लेके, NFTs को लेके, सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। जो एटमॉस्फेयर है क्रिप्टो को लेके, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी है, जितने डिफरेंट हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा। तो यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि आपने अपने लिए क्या एक अच्छा जेम आपने चूज़ करना है वो आपके ऊपर है। तो उसमें एक ये भी आता है ई कैश, जो आपको बहुत कम प्राइस में भी अवेलेबल हो रहा है। हालांकि इसके अभी बीच में जो इतने ऑल टाइम हाई क्रिएट किए थे, जैसा कि हम इसके चार्ट में देख पा रहे हैं, उन ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद ही हमें ये नीचे ही दिखने को मिल रहा है। अब इसका अंदाज़ा एक ये भी लगा सकते हो आप कि ये एक अच्छा मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कम अमाउंट में ज़्यादा टोकन या कॉइन्स लेना चाहते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन है जब आपको बहुत कम में बहुत ज़्यादा टोकन आपके यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, मिल रहे हैं। सो इसे छोड़िएगा मत दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, और इस पर आप नज़र गड़ा के रखिएगा। जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं इनके ट्विटर हैंडल पे आप चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे बनी है, और टीम उसी हिसाब से जिन्होंने मैंने आपको जो इनका रोड मैप दिखाया है उस रोड मैप के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें रोड मैप में अभी होनी बाकी हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस में एक इजाफा देखने को आपको मिलने वाला है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विद द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इसके पास हम देखने को मिल रहे हैं, उन्हें इसे क्रॉस करने में टाइम लगने वाला है, तो आपके पास अगर पेशेंस है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। सो दोस्तों, दिस वॉज रिगार्डिंग ई कैश फ्रॉम माई एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। बाई।